गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम मिशन बुनियाद की कहानियों की बुक से कहानी पढ़ेंगे। सबसे पहली कहानी है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक चित्र। चित्र में एक लड़की है, उसकी माँ है, कुछ मछलियाँ दिखाई दे रही हैं, चिड़िया है, यहाँ नीलू लिखा हुआ है। तो चलो बच्चों, पढ़ना शुरू करते हैं। कहानी का नाम है नीली नीली नीलू। एक लड़की थी, वह अपनी माँ के साथ रहती थी। उसे नीला रंग अच्छा लगता था। वह सोचने लगी कि दुनिया में कितनी चीज़ें नीली हैं। आसमान नीला है, समुद्र का पानी नीला है, कुछ मछलियाँ भी नीली होती हैं, कभी कभी नीली चिड़िया भी दिखाई देती हैं। यह देखकर माँ ने उसका नाम नीलू रख दिया। तो बच्चों, इस कहानी में एक लड़की थी जिसे नीला रंग बहुत अच्छा लगता था, और वह सोचती थी कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नीली हैं। जैसे उसने यहाँ बताया भी कि आसमान नीला है, समुद्र का पानी नीला है, कुछ मछलियाँ भी नीली होती हैं, कभी कभी नीली चिड़िया भी दिखाई देती हैं। जब उस लड़की को नीला रंग इतना पसंद था, इसीलिए उसकी माँ ने उसका नाम भी नीलू रख दिया। यहाँ पर ये देखिए, ये बच्ची है जिसका नाम नीलू है। तो बच्चों, आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस कहानी के प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक के लिए आप इस कहानी को दोहराएंगे, इसमें आए शब्दों को देखेंगे जो आपको अपरिचित शब्द लगते हैं, कुछ नए शब्द जो आपने पहली बार पढ़े हों उन सबको सीखेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।